सीबीआई को मैटर जाना चाहिए। जब तक ये सीबीआई को मैटर नहीं जाएगा उसमें किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। सच्चाई क्या है, कभी किसी के 7 लाख रुपए दे दिए, एक झाड़ू लगाने की नौकरी दे दी, उसमें ही सेटिस्फाई कर दिया, आज एक व्यक्ति को मारा है, कल बहुत ही टफ काम है, क्योंकि वहां पर थाना का प्रशासन होता है, पुलिस होती है, सीसीटीवी लगे होते हैं, सब कुछ होता है। किसी आदमी की हिम्मत नहीं पकड़ता है, जो बड़े लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, और खुद ही तो वो चोरी कराते हैं, खुद ही काम कराते हैं, और फिर बाद में ही वो अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी चोरी के केस में आ गया तो 5-5, 6-6 केस उस पर चोरी के लगा दिए, लेके ऊपर एसएसपी से लेके और थाने से लेके नीचे तक भी सब एक जाति के लोग हैं। क्या एक जाति के जो लोग हैं या दूसरे जाति के जो लोग हैं उनको क्या न्याय देने का? सर, आप आगरा से लौट कर आए हैं, वहां पर एक वाल्मीकि युवक की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई है, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, जब हम कल आगरा गए थे तो पूरी जानकारी वहाँ पर पता लगा कि जो पुलिस ने एलिगेशन लगाए हैं वो एलिगेशन लगाए हैं कि जो अरुण वाल्मीकि नाम का व्यक्ति था, जो थाने में ही काम करता था, सफाई कर्मचारी था, तो उस पर 25 लाख रुपए की चोरी का एक आरोप लगाया गया था, और आरोप लगाने के बाद में उसको घर से उठाया गया और फिर उसको टॉर्चर किया गया, थाने में उसको इतना मारा गया कि थाने में मर गया। उसके बाद में जब वो हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि ये मर चुका है, तो फिर पुलिस का जो प्रशासन था उसके हाथ पैर फूल गए और फिर उन्होंने स्टोरी बनाई, जबकि सच्चाई ये है कि एक आदमी जो थाने में ही काम करता है वो कैसे 25 लाखों को चुरा लेगा, क्योंकि जो वहाँ थाने में होती है सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी होते हैं, पूरा सिस्टम होता है, तो फिर थाना क्या कर रहा था? अगर एक आदमी वहाँ से 25 लाख रुपये चुरा कर ले गया तो थाने के हथियार भी होते हैं, हथियार को भी चुरा कर ले जा सकता है। तो ये सब स्टोरी बनाई गई है एक गरीब आदमी को फंसाने के लिए, अगर इसकी सही इन्वेस्टिगेशन करी जाए, मतलब रस्सी का सांप बनाया गया। हाँ बिल्कुल, रस्सी का सांप बनाया गया है, किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए एक जो गरीब व्यक्ति है उसको फंसाया गया है और उसको इतना मारा गया है थाने के अंदर, क्योंकि उसकी मौत हो गई, जबकि उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उसके, और मेरे को वहाँ जाकर पता लगा कि एक बच्चा तो अभी 1 महीने का ही है, पिताजी है नहीं उसके। जब मैं घर उनके घर गया तो बहुत छोटा सा घर था, एक रूम बना हुआ है, बहुत एक वहाँ नाला है, गंदा नाला, आपको पता ही है कि जितने भी हमारे लोग रहते हैं वो बस गंदगी के उसमें रहते हैं, क्योंकि उनको कोई गंदगी में नहीं रहना चाहता, मगर प्रशासन ने ऐसा कुछ कर रखा है कि हमें सिर्फ खाने तक भी सीमित रख रखा है। तो ये सब वहाँ हुआ और वहाँ पर देखा कि जो वहाँ योगी सरकार है वो किसी की सुनती तो है नहीं, वो सुनती नहीं है, वहाँ पर सिर्फ अपना राज चल रहा है, और जो कानून है कानून की किताब को उन्होंने एक तरफ रख दिया है, अपने कानून की किताब चल रही है उनकी, अपना उनका राज चल रहा है। लोग कहते हैं कि जो पुलिसकर्मी तो जो रक्षा करते हैं आम आदमी की, वो तो रक्षक हैं आम आदमी की। वो रक्षक नहीं है, कुछ लोग तो भक्षक बन जाते हैं, क्योंकि पुलिस भी जाति के नाम पर शोषण करती है, जो पुलिस वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं समाज से ही निकल कर आते हैं, और समाज में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, तो पुलिस वाले भी जातिवाद से बच नहीं सकते हैं। वो जब न्याय करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी केस को हैंडल करते हैं, तो जाति भी उनके सामने होती है, अपराधी की जाति होती है, अगर अपराधी बड़ी जाति का व्यक्ति होता है तो वो उसको बचाने का काम करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति पर एलिगेशन लगता है और वो SC ST या माइनॉरिटीज का व्यक्ति है तो उसको जानबूझकर फंसाने का काम करते हैं, थाने में टॉर्चर किया जाता है और उसके खिलाफ एक षड्यंत्र पूरा थाना बना देता है। मतलब कस्टडी डेथ मानते हैं इसको आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये पुलिस कस्टडी में डेथ है जो नहीं होनी चाहिए, जिन पुलिस वालों पर रक्षा करने का एक उन पर ड्यूटी होती है, जो पुलिस वाले कानून को जानते हैं, अगर कानून को जानने वाले लोग ही कानून को तोड़ेंगे तो फिर जो आम जनता है उसमें गलत एक मैसेज जाता है, इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, थाने से 25 लाख रुपए चोरी होते हैं, जो मालखाना होता है थाने का, ये क्या आपको लगता है कि वहाँ चोरी कर सकता है आम आदमी? देखो, ये सब एलिगेशन से एक स्टोरी है, पुलिस बहुत सारी स्टोरी बनाती है अपने केस को सही करने के लिए, बहुत सारी मतलब एलिगेशन लगाती है लोगों पर, स्टोरी बनाती है, और अब तो ये स्टोरी बना रहे हैं कि जब हमने उसको पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन की, जब उसके 15 लाख रुपए मिले तो उसको हार्ट अटैक आ गया। अब भाई किसी आदमी को अचानक कहते हार्ट अटैक आएगा, अरे स्वस्थ आदमी है, बढ़िया सब कुछ हो रहा है, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि उसकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने उसको मारा, मारने के बाद में उसकी हत्या हुई है, और जब डॉक्टर के वहाँ गए हैं तो वो मृत्यु घोषित कर दिया गया है, इट मीन्स कि आपने उस पर 3rd degree का उस पर यूज किया है, 3rd degree की वजह से वो आदमी मरा है। तो इसमें जो भी पुलिस वाले दोषी हैं, जो प्रशासन में काम कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो CBI से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी CBI को मैटर जाना चाहिए। जब तक ये CBI को मैटर नहीं जाएगा इसमें किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। सच्चाई क्या है, कभी किसी के सामने नहीं आएगी, सिर्फ
10 लाख रुपये दे दिए, एक झाड़ू लगाने की नौकरी दे दी, उसमें ही सेटिस्फाई कर दिया। आज एक व्यक्ति को मारा है, कल कोई और व्यक्ति होगा, कल किसी और को मारेंगे। ये पुलिस को एक मतलब खुली एक देनी है, छूट देने वाली बात है, जबकि पुलिस को खुली छूट नहीं होनी चाहिए। आज पूरे देश में, ऐसे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एससी एसटी पर जुर्म कर रही है, सबसे ज़्यादा पुलिस करती है। पहले तो लोग करते हैं समाज में, फिर उनके ही लोग, उनकी जाति के लोग थाने में बैठे हैं, फिर वो थाने में जाकर शोषण करते हैं, फिर उन्हीं के लोग वहाँ पर कचहरी में जज बनकर बैठे हैं, फिर वो शोषण करते हैं। तो यहाँ न्याय मिलना बड़ा बहुत कड़ा हो जाता है, इसलिए न्याय की व्यवस्था सही होनी चाहिए। यहाँ पर जो थाना होता है, वहाँ कोई एक आम आदमी कैसे चोरी कर सकता है 25 लाख रुपयों की? आप कानून के जानकार हैं, क्या आपको भी लगता है कि घटना ऐसे घट सकती है कि आम आदमी उसमें घुस के 25 लाख चोरी रुपये करके ले आए? देखो, ये सब जांच का विषय है। मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि सीबीआई इसमें जांच करना चाहिए सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई की मांग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, सही फैक्ट्स जो है वो नहीं निकल कर आएंगे। जिस पुलिस से लोग डरते हैं, जिस पुलिस के थाने में अपनी शिकायत करने के लिए लोग भी नहीं जाते हैं, वहाँ कोई चोरी करेगा ये बात हजम नहीं होती है। क्योंकि थाने में चोरी करना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि वहाँ पर थाना का प्रशासन होता है, पुलिस होती है, सीसीटीवी लगे होते हैं, सब कुछ होता है। किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि थाने से कोई चोरी कर लेगा, वो भी मालखाने से चोरी कर लेगा जहाँ पर वो सुरक्षित कस्टडी में सामान होता है, फिर तो कुछ भी सामान वहाँ पर चोरी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, जो बड़े लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, और खुद ही तो वो चोरी कराते हैं, खुद ही काम कराते हैं, और फिर बाद में ही वो अपने आप को सही साबित करने के लिए फिर दूसरे निर्दोष आदमी को फंसाया जाता है। हम कोर्ट में काम करते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, रात दिन जानता हूँ कि निर्दोष लोगों को कैसे फंसाया जाता है। अपना डाटा बनाया जाता है इनका एक, कि भाई ये जो केस हैं ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इन लोगों को फंसा दीजिए। एक आदमी गलती से किसी चोरी के केस में आ गया तो 5-5, 6-6 केस उस पर चोरी के लगा दिए जाते हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं। तो पुलिस का काम करने का जो तरीका है उस पर सुधार होने की बहुत आवश्यकता है। अगर देश में जो सभ्य लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अगर चुप रहेंगे, अगर वो ऐसी मौतों पर भी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी राय नहीं रखेंगे, तो दूसरा नंबर उनका होगा, क्योंकि पुलिस तो सबके लिए ही ऐसा काम करने वाली है। तो पुलिस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसी जो डेथ है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को श्यू मोटो लेना चाहिए। हाई कोर्ट चुप बैठा हुआ है, नहीं, हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि इसकी जो जांच है वो सही होनी चाहिए। हाई कोर्ट क्यों नहीं कह रहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों श्यू मोटो नहीं लिया? श्यू मोटो लेना चाहिए उसको, और एक सही जांच करने के लिए आदेश देने चाहिए। जब भी तो पता लगेगा कि कौन इसमें दोषी है, वो लोग तो निकल जाएंगे, वो लोग तो डॉक्टर को मैनेज करेंगे, पुलिस को मैनेज करेंगे। यहाँ तक भी बताया गया जब हम गए कि सिर्फ उसके परिवार को प्रताड़ित नहीं किया, उसके बाद में वहाँ के लोकल जो 15-20 लोग हैं उनको भी उठा लिया गया कि ये यहाँ पर कोई आंदोलन ना करें या आवाज ना उठाएं। मगर उनको गलत फहमी है, पुलिस को गलत फहमी है। गोली से एक मनीष गुप्ता नामक व्यक्ति की मौत होती है, तो उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिल जाती है, मुआवजा मिल जाता है, क्या लगता है यहाँ कुछ ऐसी सुविधाएं मिलेगी सरकार से? देखो, उनको पता नहीं होगा कि वो मनीष गुप्ता है। अगर उनको पता होता कि मनीष गुप्ता है तो शायद उसको नहीं मारते, क्योंकि जाति का बहुत बड़ा खेल है। जब उनको पता लगा कि एक गुप्ता जी को मार दिया गया है, तो फिर उन्होंने मुख्यमंत्री ने आके बहुत बड़ी घोषणा कर दी, उनकी पत्नी को नौकरी भी दे दी। अगर वो भी मनीष गुप्ता नहीं होके मनीष कुमार होता और कोई दलित होता, तो वहाँ भी ये नहीं सब कुछ मिलता है जैसे अरुण कुमार के मामले में है। तो जो पुलिस है वो जाति देखकर काम करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं भी इस बात के लिए मतलब शू मोटो नहीं लेता है कि एक ही जाति के सारे लोगों को आपने प्रशासन में लगा रखा है, थाने से लेके ऊपर SSP से लेके और थाने से लेके नीचे तक भी सब एक जाति के लोग हैं। क्या एक जाति के जो लोग हैं, क्या दूसरे जाति के जो लोग हैं उनको क्या न्याय देने का काम करेंगे? क्योंकि यह जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था कूट कूट कर भी कुछ हमारे जो लोग हैं या हमारे साथियों को कहते हैं कि देश में जाति नहीं है। आप देखो, जाति नहीं तो क्या हो रहा है? सिंगू बॉर्डर पर क्या हुआ? एक दलित आदमी व्यक्ति को, उसको हाथ काट दिया गया, उसका पैर काट दिया गया, और उसको तलवार से काट कर मार दिया गया। आपने देखा मनीषा वाल्मीकि का केस देखा होगा, हाथरस में क्या हुआ कि उस बेटी के साथ में बलात्कार किया, और DGP जो कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं, जैसे वो डॉक्टर हैं उनको क्या पता कि बलात्कार हुआ नहीं हुआ। मगर वो लोग जो हैं वो सरकार के प्रवक्ता के लिए काम करते हैं, और फिर बाद में उस लड़की को 2 बजे उसकी जो डेड बॉडी थी उसको जला दिया गया बिना घर वालों की सहमति से। तो ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो मनमानी सरकार चला रही है। ये सरकार बदलनी चाहिए और 2022 में इसका अंत करना चाहिए, नहीं तो ये जुर्म होते रहेंगे और थानों में भी ऐसा ही होगा। और कोई मनीषा वाल्मीकि होगी और कोई अरुण वाल्मीकि होगा या